जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरोसिटी जीएफ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 7 अप्रैल के दिवस के बारे में। तो इस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके नाम से स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है। तो इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना कि लोग अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं, लोग अपनी जीवन शैली में कौन सी प्रतिबद्धता को लाकर अपने आप को एक अच्छी जीवन शैली प्रदान कर सकते हैं, लोग किन किन चीजों को अपने डेली लाइफ में उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए जागरूक किया जाता है। बात करते हैं फर्स्ट टाइम इसे कब मनाया गया था, तो पहली बार इसे 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। WHO की स्थापना भी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का पूरा नाम यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक संगठन है विश्व स्वास्थ्य से संबंधित, विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अब हम बात करते हैं 2022 की थीम के बारे में, आदर्श विषय के बारे में। तो आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। देखिए COVID-19 के कारण हमारी पृथ्वी में थोड़ा सा, पृथ्वी की जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन आया था, लेकिन हुआ क्या कि जो मानव समाज जो है कई वर्षों से करने की कोशिश कर रहा था वो नहीं कर पाया, लेकिन एक पैंडेमिक के छोटे से अंतराल में पृथ्वी स्वयं को वो बना के दिखाई जो वास्तव में उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता होती है आप देखेंगे। तो इससे क्या है कि हमारा ग्रह और हमारा स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रह की सारी चीजें हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा सा प्रभाव डालती हैं। अगर ग्रह को आप अच्छे तरीके से उसके मतलब विरुद्ध कार्य नहीं करोगे तो आपका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा होगा। आज आप देखोगे कि बहुत सी चीजें हैं, हम आधुनिकतावाद में बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अपने ग्रह अपने पृथ्वी को बचाने के लिए, आप प्रदूषण के मामले में देखिए बहुत सी सारी चीजें हैं कि जब हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन उसकी सीमा से विरुद्ध चले जाते हैं। जब आप किसी भी चीज की सीमा से विरुद्ध जब जाते हो तो वहां पर आपको हानियां भी होती हैं। तो प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो जाहिर सी बात है आपको समय समय पर COVID-19 जैसे पैंडेमिक देखने को मिलेंगे, और इससे ह्यूमन, इससे जो मानव समाज है ना उसके स्वास्थ्य पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप अभी देखें तो आप इतनी सारी बीमारियों से जूझ रहे होंगे कि आपको पता भी नहीं होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो स्वस्थ हैं, लेकिन आपके अंदर अगर चेकअप कराया जाए तो आपके पास भी बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो ये क्या है कि हम प्रकृति को इतना विशुद्ध बना चुके हैं आज के समय में कि आप कहीं पर भी जाइए आपको नेचुरलिटी का एकदम एहसास ही नहीं होगा, कुछ जगहों को छोड़कर जहां पर अभी मानव अपने पैर नहीं पसार पा रहा है, कुछ ऐसी जगह है जैसे हिमालय वगैरह, लेकिन जलवायु परिवर्तन तो एक अहम हिस्सा है जो कहीं ना कहीं मनुष्य इसको बहुत ज्यादा अपने क्रियाकलापों से बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, आगे मिलेंगे हम लोग एक नए दिवस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।